Hello everyone, welcome to lab class. I will discuss about hacksaw. Fitting shop में यूज होने वाला एक कटिंग टूल्स है जिससे हम किसी भी मेटल्स का कटिंग करते हैं. तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हैक्सॉ क्या होता है. हैक्सॉ एक कटिंग टूल्स होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हैक्सॉ. तो हैक्सॉ जो ये होता है, ये दो पार्ट में होता है. एक ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेम, इसको कहते हैं हैक्सॉ फ्रेम. तो ये है फ्रेम आपका, ठीक है. उसके अलावे ये पूरा वाला पार्ट फ्रेम कहलाता है, और ये जो है इसको हम कहते हैं हैक्सॉ ब्लेड. तो ये है हैक्सॉ ब्लेड, ठीक है. उसके अलावा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा हैंडल है. ये हैंडल है. उसके अलावा ये हमारा पार्ट जो है, ये हमारा फिक्स पार्ट है. उसके बाद ये जो फ्लाई नट, इसको कहते हैं फ्लाई नट या विंग नट. फ्लाई नट या WING विंग नट इसको बोला जाता है, ठीक है. उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला पार्ट, इसको हम स्टड बोलते हैं, STUD स्टड बोलते हैं. उसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो आपने एक चीज देखा है कि इसको हम बोलते हैं पिन, ठीक है. तो ये हमारा हैक्सॉ है, और इसका ये डिजाइनिंग है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फिगर में नजर आ रहा है. इसमें जनरली ये फिटिंग शॉप में कटिंग टूल्स के रूप में यूज होता है, जिससे हम किसी भी मेटल्स को कटिंग कर पाते हैं. अब जैसे कि है, ये दो पार्ट जो हैं, एक है हैक्सॉ फ्रेम जो यहाँ पर दिखाया गया है, और ये क्या है, ये हैक्सॉ ब्लेड. इस हैक्सॉ ब्लेड को यदि यहाँ पर हम दिखाते हैं, तो ये ऐसा दिखता है. ये हमारा हैक्सॉ ब्लेड्स हैं, इसको हम हैक्सॉ ब्लेड्स कहते हैं. और ये हैक्सॉ लेंथ है, ये हैक्सॉ लेंथ है, इसको ब्लेड बोला जाता है. ये होता है ब्लेड लेंथ, ठीक है. तो इसी के बारे में हम आज पूरी तरह से बात करेंगे कि कैसे किस मटेरियल का बना होता है, इसका कहाँ यूज होता है. क्योंकि हम फिटिंग शॉप में किसी भी मेटल्स को कटिंग करने के लिए हैक्सॉ का यूज करते हैं. जो हमारा हैक्सॉ फ्रेम है, ये दो टाइप का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. पहला जो पार्ट्स होता है हैक्सॉ का, ये टाइप्स है हैक्सॉ का, एक होता है हैक्सॉ फ्रेम, एक होता है फिक्स फ्रेम होता है, और एक होता है मूवेबल फ्रेम. फिक्स फ्रेम मतलब ये जो हमारा फ्रेम है, ये जिस भी मेटल्स का बना होता है, जितना बड़ा होता है उतना ही वो फ्रेम कहलाता है. जैसे कि एक फिक्स फ्रेम बनाया गया, अगर वो 150 mm का फ्रेम है, तो इसको 150 mm ही रहेगा, ये हम चेंज नहीं कर पाएंगे इस फ्रेम को. तो इस तरह के फ्रेम को हम कहते हैं फिक्स फ्रेम. और दूसरा होता है मूवेबल फ्रेम. मूवेबल फ्रेम कहने का मतलब है कि इस फ्रेम की लेंथ को हम चेंज कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे. एक फ्रेम है जो मूवेबल है, 150 mm का बन जा रहा, 150-200 mm का बन जा रहा है, 250 mm का बन जा रहा है, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे. आप ये जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं हैक्सॉ, जो फिटिंग शॉप में हम कटिंग टूल्स के रूप में यूज करते हैं. किसी भी माइल्ड स्टील को कटिंग करने के लिए इस हैक्सॉ का यूज किया जाता है. ये ऊपर वाला पार्ट जो है, इसी को हम फ्रेम कहते हैं. और ये जो हमारा फ्रेम है, ये 250 mm का है, यानी ये फिक्स फ्रेम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है. तो ये कहलाता है हमारा फिक्स फ्रेम, ठीक है. दो पार्ट्स में है, एक ये वाला पार्ट्स कहलाता है फ्रेम, और ये जो वाला पार्ट से नीचे वाला पार्ट, ये हैक्सॉ ब्लेड है, ठीक है. उसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, ये मूवेबल फ्रेम. ये मूवेबल फ्रेम कैसा दिखता है, तो डियर फ्रेंड, ये जो हम हैक्सॉ देख रहे हैं, इसमें हमने ब्लेड भी नहीं लगाया है. यहाँ से इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये आगे खींचा जा रहा है, ये
छोटा हो जाएगा। तो इस फ्रेम को हम कहते हैं मूवेबल फ्रेम, यहाँ से एडजस्ट होकर आगे चलाता है, तो इसकी लेंथ को हम कम और ज़्यादा कर पाते हैं, तो ये मूवेबल फ्रेम है। तो इसका फ्रेम दो टाइप का होता है, एक फिक्स फ्रेम होता है और एक मूवेबल फ्रेम होता है। अब एक तरह से देखते हैं इसको, ये भी बोला जाता है जैसे पास्ट बोले हैं, फिक्स होल्डर भी इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं फिक्स होल्डर, ठीक है। उसके अलावा जैसा कि हम बात करते हैं कि ये फिक्स फ्रेम और मूवेबल फ्रेम किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो हमने ये फिक्स फ्रेम की बात की है, ये फिक्स फ्रेम जो हमारा है ये जनरली माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का ये बना होता है जहाँ, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है माइल्ड स्टील का बना हुआ है, कहीं कहीं पर ये स्टील का बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है, जैसे कुछ ये मूवेबल फ्रेम जो है, ये मूवेबल फ्रेम ये जो पार्ट्स है ये प्लास्टिक का है और ये स्टील का है, ठीक है, माइल्ड स्टील नहीं है ये, स्टील है, जबकि ये हमारा माइल्ड स्टील है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, तो हमने ये देख लिया कि ये दो टाइप्स का फ्रेम होता है, ठीक है। इस फ्रेम में हम लोग इस ब्लेड को एडजस्ट करते हैं और किसी भी माइल्ड स्टील को हम कटिंग कर पाते हैं, तो ये फिटिंग शॉप में यूज होता है। और ये जो फ्रेम होता है ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स फ्रेम और मूवेबल फ्रेम। ये किस मेटल का बना होता है, माइल्ड स्टील का, या आप इसमें स्टील लगा सकते हैं, ठीक है, या आप इसमें लगा सकते हैं प्लास्टिक का भी कहीं कहीं पर ये फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो हैक्सो ब्लेड की बात करते हैं, ये जो हमारा ब्लेड नीचे है, ब्लेड वाला पार्ट्स जो है ये किस चीज़ का बना होता है, और यही जो ब्लेड वाला पार्ट्स होता है यही हमारा कटिंग करता है, और ये इस ब्लेड को इस फ्रेम में लगाते हैं और हम किसी भी माइल्ड स्टील या किसी भी आयरन रॉड को कटिंग कर पाते हैं। ये जो हमारा हैक्सो ब्लेड होता है, ये जो हम नीचे ब्लेड बनाए हैं, इस होल से लेकर इस होल तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लेंथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लेड होता है ये पहले किस मेटल्स का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, तो ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है, या ये हाई कार्बन स्टील का बना होगा, या ये लो एलॉय स्टील का बना होगा। जब इन सबको बनाया जाता होगा, जैसे कि हाई स्पीड स्टील हम बात करते हैं, तो टंगस्टन इसमें 18% होगा, क्रोमियम इसमें 4% होगा, वैनेडियम इसमें 1% होगा, और कार्बन की मात्रा जो होगी 0.5 से लेकर 0.8% होगा, आप जैसा समझ रहे होंगे। उसी तरह हाई कार्बन स्टील में भी अलग अलग एलॉय मिले होंगे, अलग अलग मेटल्स को मिलकर बनाया गया होगा, और लो एलॉय स्टील का बना होता है। इन तीनों का ये बना होता है, और इन तीनों पे हम लोग बनाकर इसमें टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। टेम्परिंग कहने का मतलब है कि इस ब्लेड की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इसमें टफनेस को बढ़ाते हैं, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हार्डनेस को कम करते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक चल सकता हो और ये कटिंग करने में सॉलिड होता हो और सही से एफिशिएंसी के साथ ये कटिंग करता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जिस भी मेटल का बना होता है इसमें टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। टेम्परिंग प्रोसेस होता है कि जब इस कटिंग टूल्स को बनाया जाता है, कटिंग ब्लेड को बनाया जाता है, तो इसके पिच पर टेम्परिंग किया जाता है या पूरे ब्लेड पर टेम्परिंग किया जाता है, जिससे कि इसके हार्डनेस को कम किया जा सके, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, उसके अलावा सॉफ्टनेस को बढ़ाया जा सके, जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक चले और कटिंग भी हमारा प्रॉपरली हो पाए। उसके अलावा हम देखते हैं आगे, जैसे ही बढ़ते हैं तो एक चीज़ देखते हैं, वो होता है हमारा ये फ्रेम जो है जनरली जनरेट है, तो इसी में हमने इसको लगाया है। इस होल से लेकर इस होल के बीच के दूरी को हम कहते हैं लेंथ, जैसा कि यहाँ पे है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस ब्लेड को हमने इस पूरे फ्रेम में लगाया है, इस ये जो हम विंग आकार का है, फ्लाई आकार का है, पंख आकार का, इसको कहते हैं फ्लाई नट या विंग नट, ये जो बीच में इसको कहते हैं एस्टर, ये हमारा पिन है, मूवेबल पिन इसको हम बोल सकते हैं, ये मूवेबल पिन है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मूवेबल पिन। ये होता है हमारा फिक्स होल्डर, हैक्सो ब्लेड है, ये यहाँ पे हैंडल है और ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। इस ब्लेड की बात करें तो क्या क्या किस चीज़ से बना होता है, इन चीज़ों को हम जान चुके हैं। उसके अलावा आप इस ब्लेड का जो ब्लेड को हम जो लगाते हैं, उस लगाने के तरीका को देखते हैं, हमेशा इस ब्लेड को फॉरवर्ड वाइज में, इसके जो टिथ होते हैं, ये जो
टीथ है, कटिंग टीथ, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है, यानी इस तरह से जिधर से मूवेबल होता है, मूविंग पिन होता है, उस ओर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हैंडल की तरफ इसका कटिंग टीथ, हमारा हमेशा जो कटिंग टीथ होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी टीथ की, तो ये जो हमारा पिच होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम पिच बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक टिच से लेकर दूसरे टिच के बीच की दूरी को हम कहते हैं पिच, ठीक है। ये जो एक टिच से दूसरे टिच के बीच की दूरी होता है ये 0.8 mm होता है, या ये 1 mm हो सकता है, या 1.5 mm हो सकता है, ठीक है। अब होता है कि एक होता है थ्रेड पर इंच, अब जैसे कि टीपीआई आप समझ रहे होंगे, जैसे इसको हमने ले रहा है टीपीआई मतलब होता है थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच कहने का मतलब है जैसे ये THREADBY थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच कहने का मतलब है कि एक इंच में कितना थ्रेड आएगा। तो जैसे मान लीजिए ये जनरली ऐसा होता है 13 से 14 यदि थ्रेड है एक इंच में, तो ये सॉफ्ट मेटल्स को काट पाएगा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कटिंग हो पाएगा। अगर मान लीजिए 16 से 18 रहेगा तो ये माइल्ड स्टील के कटिंग के लिए सही रहता है, माइल्ड स्टील को कटिंग करता है। अगर यही 30 से 32 रहता है तो हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड मेटल्स को ये कटिंग कर पाता है, ये थ्रेड पर इंच के लिए। इतना समझने के बाद हम इन सब चीज़ों को समझने के बाद ये समझ में आता है कि ये जो हमारा ब्लेड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये जो हमारा हेक्सो हेक्सो फ्रेम है या ब्लेड है, हेक्सो है जो फिटिंग शॉप में वर्क होता है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। ये हमारा हैंडल होता है, इसको फिक्स होल्डर बोलते हैं, और यहाँ से हम लोग मूव कर पाते हैं, इस स्क्रू नट को खोलते हैं और यहाँ से इस ब्लेड को चेंज कर पाते हैं। इस थ्रेड की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर के डायरेक्शन में ये टीथ है, ठीक है। और ये देख रहे होंगे आप, इसको हम कहते हैं फ्लाई नट या विंग नट बोलते हैं, और इस बीच वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टड, इस बीच वाले, और इसको फ्लाई नट बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हमने बताया है कि क्या क्या होता है, किस तरह से हम हेक्सो ब्लेड का यूज कर पाते हैं, और इसके डिटेल्स के बारे में क्या क्या होता है। तो एक बार फिर से देखेंगे, हेक्सो का मतलब, हेक्सो जनरली हम लोग फिटिंग शॉप में किसी भी मेटल्स के कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हेक्सो में दो पार्ट्स जनरली होते हैं, एक फ्रेम और एक ब्लेड होता है। हेक्सो फ्रेम जो होता है वो दो टाइप का जनरली होता है, एक फिक्स फ्रेम होता है, एक मूवेबल फ्रेम होता है। फिक्स जो भी फ्रेम होता है हेक्सो फ्रेम, वो या तो माइल्ड स्टील का या प्लास्टिक का बनाया जाता है, ठीक है। जो फिक्स फ्रेम होता है वो जनरली 250 या 300 mm के बीच का फ्रेम होता है, 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के बीच का। मूवेबल फ्रेम एडजस्ट हो सकता है, इसमें जो हम ब्लेड लगाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ब्लेड्स को लगा सकते हैं, ये अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, ये छोटा हो सकता है। मूवेबल फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मूवेबल रहता है और इसको एडजस्ट हम कर पाते हैं, इसमें हम 150 mm, 200 mm, 300 mm, 350 mm के ब्लेड्स को लगा सकते हैं। उसके बाद इसके ब्लेड्स की बात, इसके फिगर की बात करें तो ये फ्लाई नट होता है या विंग नट होता है, इसको स्टड बोलते हैं, इसको हेक्सो ब्लेड, इसको मूवेबल पिन, और इसको फिक्स होल्डर फ्रेम और हैंडल बोलते हैं। उसके अलावा अगर ब्लेड्स की बात करें तो ब्लेड्स में हमने बताया कि हेक्सो ब्लेड हाई स्पीड स्टील का बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या लो एलॉय स्टील का बना होता है। जो ब्लेड्स हाई कार्बन स्टील, अगर कंपोजिशन पूछा जाए तो क्रोम मतलब टंगस्टन 18% होता है, क्रोमियम 4%, ग्रेनियम 1%, कार्बन 0.5 से लेकर 0.8% होता है। इन सब चीज़ों को टेम्परिंग किया जाता है, टेम्परिंग ब्लेड को टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा अपनाया जाता है। टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इस ब्लेड को धीरे से गर्म किया जाता है और धीरे से ठंडा किया जाता है, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे या एक रिक्वायर्ड कूलिंग टेम्परेचर पे। और टेम्परिंग करने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अलावा हार्डनेस कम हो जाता है, सॉफ्टनिंग बढ़ जाता है, और ये कटिंग प्रॉपरली कर पाता है। इन सब चीज़ों के अलावा इस ब्लेड के लेंथ की बात करें तो इस होल से लेकर इस होल के बीच में भी इसका लेंथ बोलते हैं। ब्लेड को जब कभी भी लगाते हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं ब्लेड को, ठीक है। उसके अलावा एक थ्रेड से दूसरे, एक से दूसरे टीच के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। पिच अगर बात करते हैं तो पिच 0.8 mm हो सकता है,
0.1 mm हो सकता है, 1.5 mm हो सकता है। अगर इस ब्लेड की विथ की बात करें, विथ की बात करें तो ये लगभग 13 से लेकर 16 mm के बीच इसका विथ होता है। अगर इसके थिकनेस की बात करें, अगर ये मान लीजिए थिकनेस की बात करें तो ये होता है आपको 0.63 से लेकर 0.83 mm तक इसका थिकनेस होता है। और इसके लेंथ की बात करें तो ये 150 mm 200 mm, अगर लेंथ की बात करें ये कितना लेंथ होता है इसका, तो ये 150 mm 200 mm या 250 mm में ये अवेलेबल होता है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसको हमने बताया है कि ये कैसा दिखता है और क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में आपने जाना होगा कि हैक्सो क्या होता है, हैक्सो ब्लेड कैसे यूज कर पाते हैं हम लोग और कैसे इसको हम लगा पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।